नो मैन इज एन आइलैंड, इसका मतलब होता है कि आप बिना किसी की हेल्प के नहीं रह सकते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको किसी की हेल्प लेनी होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ही ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ बट ओनली इन 3 मंथ्स ही लर्नड नो मैन इज एन आइलैंड। उसने सब कुछ खुद करने की कोशिश की लेकिन 3 महीने में उसे समझ आ गया कि अकेला आदमी कुछ सब कुछ नहीं कर सकता। If you snooze, you lose. इसका मतलब होता है you have to act quickly to get the things you want. यानी कि जो आपको चाहिए आपको उसके लिए quickly action लेना होगा, नहीं तो वो opportunity किसी और के पास चली जाएगी। इसको example से समझते हैं, propose her now, then she will go to London. If you snooze, you lose. You scratch my back, I will scratch yours. यानी कि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो ही मैं आपकी मदद करूंगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, कुणाल हैज एन इफ यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स एटीट्यूड। कोट बिटवीन टू स्टूल्स, देखो इसे ऐसे समझते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं, ओके, और इनमें से आपको एक सही सेलेक्ट करना है जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई कोट बिटवीन टू स्टूल्स।